पता अभी खुलने वाला है, जो 1.5% नीचे था ना डॉक्टर रेड्डीज, वो भी शायद अब हरे निशान में आ गया। एक बार इंडिकेटिव टिक उसका भी देख लेते हैं, वो कैसे आप ट्रेड कर रहा है। यस, वो हरे निशान में आ चुका है, तो गिरावट 1.5% खत्म है। एक बार जैक ऑफ भी देखिए, आज टुडेज ट्रेड में हमने आपको दिया था आपके सामने, ये करीब 3% ऊपर खोल रहा है, तो 78 के लेवल्स पे ये आज का टुडेज ट्रेड भी है। अच्छा बेनिफिशियरी है ये नवी मुंबई प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है वहाँ पे, उसका फायदा इसको मिलेगा। NIT पे भी आप नजर रख सकते हैं, यहाँ पर भी एक अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है, ये भी करीब 0.25%। और प्रीमियर एक्सक्लूसिव, क्योंकि इनके एक जमीन मिली है आंध्र प्रदेश सरकार से, 202 एकड़ है, ये भी करीब 3.5% ऊपर खुल रहा है। ये कुछ एक पर्टिकुलर शेयर्स हैं जो कि अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं। हरी, आप ओवरऑल मार्केट का सेटअप तो आज बिल्कुल ठीक लग रहा है, इस सेटअप में रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ओवरऑल आपका व्यू क्या है? डिम्पी, मेरा मानना है कि यहाँ से मार्केट को यदि हायर हाइज जाना है, और जैसे मार्केट में ऑलरेडी 9,800 और 10,000 के टारगेट्स आ रहे हैं निफ्टी पे, आई थिंक 3 ब्रॉड एरियाज यहाँ से ड्राइव करेगा। पहला तो रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगा, जहाँ हमारा मानना है कि वी शुड गेट बैक टू अबाउट 1600 लेवल्स, और आई थिंक इन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए पॉजिटिव रहेगा। दूसरा कैपिटल गुड्स, खासकर LNT रहेगा, जो एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगा मार्केट को ऊपर लेके जाने में। और तीसरा रहेगा FMCG, आई थिंक जिसे GST और रूरल इनकम से बहुत बड़ा फायदा होगा। तो मैं मानता हूँ कि ब्रॉडली जो मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टूब्रो और FMCG, ये तीनों सेगमेंट्स मिला के मार्केट्स को और ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, एक पोंचलॉर्ड भी आप देख सकते हैं, ये पहले भी चला था, आज भी चला है, कुछ डिफेंस का प्ले भी इसके अंदर है, क्योंकि कुछ एक रॉकेट्स बनाने के ऑर्डर एक बैठक हुई थी डिफेंस को लेकर, उसमें दिए गए। पोंचलॉर्ड कितना बड़ा बेनिफिशियरी होगा मालूम इसका नहीं अभी, लेकिन आई टिक में 3.5% ऊपर खोल रहा है। टाइटन्स के ना नंबर आए थे, इसका जो आई केयर डिवीजन है वो अच्छा प्ले कर रहा है, ये करीब 2 से 2.5% ये भी ऊपर खोल रहा है। रैलीज इंडिया एक बड़ा बेनिफिशियरी है इस बार का एग्री प्ले का, क्योंकि इस बार थोड़ी गर्मी पड़ने वाली है, शायद थोड़े पेस्टिसाइड केमिकल उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ जाए, और थोड़ी बारिश भी कम होगी, और एक 36,000 करोड़ का जो लोन वेवर है किसानों को, उनका डिस्पोजल बढ़ाएगा, ये करीब 0.1% ऊपर खुल रहा है। KEC तो आपको पता ही है, क्योंकि ऑर्डर्स को मिले हैं, ये भी अच्छा प्ले दिखा रहा है। एक दो शेयर और देखिए, NMDC, इस पर भी आज एक न्यूज फ्लो था, ये भी करीब 1.5% ऊपर है। डेल्टा कॉप सुमित के आज लिस्ट में था, वो भी कह रहे कि अच्छा चलेगा, आज भी अच्छी बढ़त के साथ ही प्ले कर रहा है, करीब ये भी 1% इस शेयर को ऊपर खोल रहा है। स्टील कंपनीज ने दाम बढ़ाए हैं, फ्लैट स्टील के दाम बढ़े हैं, तो आप स्टील कंपनीज पे देखेंगे यहाँ पे कुछ एक मोमेंटम दिखेगा आपको। सेल, टाटा स्टील, ये टिपिकल कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं, ये करीब 0.5 से 0.75% ऊपर खोल रहे हैं। और आपको जो छोटी कंपनी है जैसे पन्नार इंजीनियरिंग, ये रेलवे को स्टील सप्लाई करती है, जो वैगन बनते हैं टिपिकली, ये वही कंपनी है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। कल्याणी स्टील, ये भी आज वैसे ही पॉजिटिव खोल रहा है। तो मीर, ये कॉमोडिटी वाला जो प्ले है ना, ये भी अभी मार्केट के अंदर प्ले कर रहा है, कुछ दिन तक लीडरशिप टायर ने संभाली, अब स्टील संभाल रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है कॉमोडिटीज प्ले के अंदर भी। बिल्कुल, इनफैक्ट जो राकेश ने बात कही ना, वो सबसे अहम है कि अब देखिए सेक्टोरल रोटेशन अच्छा खासा हो रहा है मार्केट में। अविनाश, ये सेक्टोरल रोटेशन तो है नाउ, यू नो विद इन इंडेक्स ऑल्सो द रोटेशन हैज़ टू हैपन। रिलायंस तो लीड कर रहा है, पर साथ साथ में ऑन डेज जब रिलायंस ब्रीदर लेता है, कहीं और से सपोर्ट आना जरूरी है, चाहे वो SBI से आए या फिर ICICI से, इन्फोसिस से, ITC से। इसमें मोस्ट रिलेवेंट कैंडिडेट आपको कौन सा लग रहा है? मुझे लग रहा है कि PSU बैंक्स में क्लियरली जो फ्रंटलाइन कंपनीज है मेर, वहाँ पे एक्शन जरूर आना चाहिए, जैसे कि SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और क्लियरली कैपिटल गुड्स पे इसमें LNT जो फ्राइडे के प्रीवियस सेशन में 6% ऊपर था, यहाँ पे डेफिनेटली तेजी का रुझान रख सकता है, तो यहाँ पे नजर रखें। राइट, चलिए नजर रखेंगे यहाँ पर। लेकिन बाजार खुलने वाला है 30,000 के पार, सेंसेक्स की ओपनिंग होने की तैयारी इस समय, और निफ्टी 9264 पर 1/4% की मजबूती दोनों पर देखने को मिल रही है, और 85 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स खुला है, निफ्टी 22 पॉइंट ऊपर, लेकिन अच्छी खासी मजबूती इस समय देखने को मिल रही है, तो सेंसेक्स अब 55 पॉइंट ऊपर इस समय अब ट्रेड करते हुए, और निफ्टी पर भी ठीक ठाक रुझान देखने को मिल रहा है, तो दोनों ही ठीक। अब निफ्टी इनफैक्ट बस 2 पॉइंट ऊपर 9238 पर, रॉयटर्स पर टिक अपडेट नहीं हुआ था अभी, लेकिन जो ताज़ा टिक है उसे एक बार देखते हैं। तो निफ्टी रिकॉर्ड लेवल पर खुलने के बाद थोड़ा फ्लैट, 9233 पर निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए, 9233 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं जो गेनर्स हैं निफ्टी के, उनको एक बार देख लेते हैं, देन विल गो टू बैंकिंग स्टॉक्स। निफ्टी के जो टॉप गेनर्स हैं इसमें आप देखिए, एक तो रिलायंस है जिस पर अच्छा मूव है, ये करीब 0.5% ऊपर है। बॉश, सिप्ला, हिंडालको, इस पर अच्छा मूव है,
और ये कुछ हद तक मार्केट को डिफेंड करने की कोशिश करते हुए निफ्टी हालांकि 13 पॉइंट नीचे है। कोटक महिंद्रा बैंक NTPC HUL ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती अच्छी देखने को मिली। निफ्टी हल्का सा सॉफ्ट है 9224 पर हालांकि अब भी बना हुआ है। और जो लूजर्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। HDFC लिमिटेड है जो कि 1.5% नीचे है निफ्टी में। ITC है जो कि 1% नीचे है। इन्फोसिस IT स्पेस पूरा ही, इनफैक्ट अब देखिए यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 0.5% नीचे है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये 0.5% नीचे है। ICICI, एशियन पेंट्स और टाटा मोटर्स ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर इस समय लाल निशान देखने को मिल रहा है। तो जिसे कहते हैं ना कि होठ और प्याले के बीच में अंतर रह जाता है, वो सेंसेक्स पर वही हुआ है। वो अंतर थोड़ा सा रह गया है लेकिन देखते हैं, अभी तो शुरू हुआ है खेल। हो सकता है और शॉर्ट कवरिंग आ जाए क्योंकि मार्केट टिपिकली शॉर्ट कवरिंग का ही है। दो दिन से हम यही देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग के दम पर बाजार यहाँ तक पहुँचा है। कुछ एक और शेयर्स देख लेते हैं जिनमें आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला अर्ली ट्रेड के अंदर ही। उसमें साइंट है, ये करीब 7% ऊपर है और अभी संदीप भी हमको कह रहे थे कि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट ने इसको अपग्रेड किया है बाय कॉल पे। ये आपके गेनर्स आपके सामने चल रहे हैं। उसमें कुछ फार्मा कंपनी भी आप देख रहे होंगे। इपका लैब ये भी ऊपर है। केसी इंटरनेशनल ये 4% ऊपर है, 1700+ करोड़ रुपये के ऑर्डर्स हैं। इंडियन होटल पे आप नजर रखें, ये भी 3% ऊपर आकर चल रहा है। हॉलीडे सीजन इस बार शायद अच्छा रहेगा। एक खबर मैं आपको बता दूं, हालांकि आज काम का दिन है लेकिन एक छुट्टी के हिसाब से जुड़ी हुई खबर है कि इंडिगो की 43 फ्लाइट्स इस बार गर्मी में और जुड़ जाएंगी। तो इंडिगो सबसे बड़ा नेटवर्क रखता है, उसके अंदर 43 फ्लाइट्स और जुड़ने वाली हैं। ये भी आज 1 रुपया ऊपर। पुंजलॉयड करीब 2.5% ऊपर और टाइटन के अंदर भी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग नोट मिल रहा है और ये भी करीब करीब 3% की अच्छी बढ़त के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। कुछ एक और छोटे और मिड कैप शेयरों में आप जैन इरिगेशन को देखिए, ये करीब 2.5% ऊपर। रैलीज इंडिया 1.5%। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये भी करीब 1.5% की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा कुछ एक और शेयर्स भी देख लेते हैं जो कैटेगरी बी टिपिकली आते हैं या फिर थोड़ा स्मॉल कैप हो जाते हैं, उनके अंदर कहाँ पर मूव देखने को मिल रहा है। उसमें आपको दिखेगा एक तो न्यूलैंड लैब, ये करीब 8% ऊपर है, ये दिन के उच्चतम स्तर पर और इसका बहुत ही स्मार्ट मूव मिला है। जैकॉप ये 8% ऊपर, टुडेज ट्रेड था आज का हमारा, जैकॉप 8% ऊपर। लोटस आई ये इस क्वार्टर का सबसे तेजी से चलने वाला शेयर बना है। लोटस आई ये करीब 8% ऊपर है। VST टिलर ये करीब 6% ऊपर है। इस पर्टिकुलर शेयर्स के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनके अंदर थोड़ा टिपिकली अर्ली स्टेज में वॉल्यूम कम आता है लेकिन एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। दो शेयर आपको बताने होंगे राकेश इसमें, एक तो जैकॉप, ये आज कितना और चलने वाला है? देखिए निम्बी, काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और स्टॉक के अंदर आज ही के सदर में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। इन स्तरों पर अगर डिम्पी एक क्लोजिंग लेने में भी सक्षम होता है तो भी काफ़ी पॉजिटिव होगा और शॉर्ट टर्म में देखें तो 84 एंड हाफ के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 82 का टारगेट था, ऑलमोस्ट वो हिट भी हुआ है और इसने आज हाई 82 का क्रिएट किया है। तो आपको अर्ली स्टेज पे जिसका बेनिफिट मिल चुका होगा, टुडेज ट्रेड हम आपको बताते हैं बाजार खुलने से पहले, आप इस पर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक और शेयर जो अच्छे चले हैं उसमें आप देख पा रहे हैं कि एक सेलन एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज के अंदर भी काफ़ी अच्छा मूव है। वैंकीज अब 1100 के भी पार हो चुका है और ये भी करीब करीब 5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। एक बार सुमित आप वैंकीज का चार्ट देखेंगे, इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर अभी रुक जाना चाहिए, अभी भी और चलने वाला है शेयर? देखिए डिम्पी, लास्ट 2-2.5 महीनों में ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 500 के आसपास का एक ब्रेकआउट पॉइंट था, वहाँ से हमने कोई भी एक मेजर करेक्शन नहीं देखा है, स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। फिलहाल मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है और मेरे ख्याल से अगर लास्ट 3-4 दिनों में एक थोड़ा कंसोलिडेशन देखा था तो हमें वहाँ पे एक अच्छा खासा बेस दिख रहा है। तो 995-990 का एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से जिन्होंने लोअर लेवल्स पे बाय किया है और एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में है स्टॉक विथ वॉल्यूम वो ट्रेड हो रहा है, तो हमें लग रहा है कि एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस अपना ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। सो 990 के आसपास स्टॉप लॉस शिफ्ट करके अभी भी इसमें बने रह सकते हैं। ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है, बहुत जल्दी ये 1140-1160 के लेवल देख सकते हैं हम इसमें। इस बीच HDFC बैंक को आप देखिए, इस पर एक ब्लॉक ट्रेड अभी हुआ है, ऑलमोस्ट 1,30,00,000 शेयर्स का ट्रेड हुआ है 1,434 के लेवल पर। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और जैकॉप दोनों पर मूव है। RIIL है करीब 3.5-4% ऊपर और जैकॉप का काउंटर इस समय करीब 7% ऊपर 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन दोनों पर राकेश कोई ट्रेड करना चाहेंगे क्या आप, RIIL और जैकॉप? देखिए जैकॉप को इन स्तरों पे तो मीर बिल्कुल बाई नहीं करेंगे, किसी के पास है तो होल्ड करें ऊपर में 84 एंड हाफ के लक्ष्य के लिए।
और RIL की बात करें तो इसमें भी मूव नीचे से बना हुआ है, मौजूदा स्तरों पर इनको इसको बाय नहीं करना चाहूँगा, बट अगर है तो होल्ड डेफिनेटली बनता है। ठीक है, इस बीच पेट्रो कंपनीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तमिलनाडु पेट्रो इस समय करीब 14% ऊपर दिन के उच्चतम स्तरों पर, यानी अभी खुला बाजार और एकदम से सडन स्पाइक के साथ ये ऊपर आ चुका है। इसका एक और पीयर भी है राकेश, फटाफट से उसका चार्ट भी आप देखे हुए, कोठारी पेट्रो क्या ये भी चलने वाला है, क्योंकि ये भी अपने कई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़कर शायद और ऊपर आ सकता है, 4.5% ये भी ऊपर है, ये आज ये भी सर्किट लगा सकता है क्या? देखिए कोठारी पेट्रो का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, नीचे में 21 रुपये पे एक बेस बनाया है और मार्केट्स पूरा मिड कैप का है, तो डिम्पी कहना मुश्किल है सर्किट लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बट ट्रेंड इंटैक्ट है, खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, इस बीच कुछ ऑफशोर कंपनीज भी चल रही हैं, ग्लोब ऑफशोर देखिए करीब 8% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, और आप और ध्यान रखना है तो आप VST पे भी ध्यान रख सकते हैं, टिलर पे, इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी ये भी है इस बार जो लोन वेवर हुआ है। SD एल्यूमिनियम ये भी अच्छा चल रहा है, रोहित फेर थोड़ा छोटा शेयर होगा, लेकिन पदमजी पल्प आप देखिए ये भी पेपर स्टॉक्स के अंदर लीडरशिप आज ले रहा है, ये भी करीब करीब 4% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। समित, इस मार्केट खुलने के बाद कोई और शेयर आप सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि मार्केट की जो ओपनिंग हुई है वो ठीक है, अभी बिल्कुल रुक गया है बाजार, थोड़ा टूटा भी है ऊपर से। देखिए थोड़ा लार्ज कैप से ही स्टिक करेंगे, MNM है जिसने एक कंसोलिडेशन के बाद मंडे को हमने एक इंट्राडे चार्ट पे ब्रेकआउट देखा था, हालांकि स्टॉक ऊपर के लेवल से थोड़ा फिसल के बंद हुआ था, बट हमें लग रहा है कि 1250 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें बन गया है, तो 1254 के स्टॉप लॉस से MNM में खरीदारी की जा सकती है, और हमारे नियर टर्म लक्ष्य इसमें 1370 के आसपास है। दूसरा होगा NIT टेक, जिसने एक हमने लास्ट फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था, मंडे के थोड़ा हमने सबड्यूड मूवमेंट देखा है, बट हमें लग रहा है ये काफ़ी अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, काफ़ी एक मेजर उसने ब्रेकआउट देखा है, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है, तो हमें लग रहा है एटलीस्ट NIT टेक यहाँ से 4-5% आने वाले 4-5 दिनों में आ सकता है, तो इसमें भी एक खरीदारी की हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं।